सवे भवन्तु सुखिनः। अदृश्य शक्ति परमात्मा परमेश्वर ब्रह्म। भाग 9। जो गुरु उपदेश के अनुरूप हो ग्रहण करें। दुर्बुद्धि मनुष्य ठगी करके, झूठ बोलकर, ताकत के बल पर, धन के बल पर जो कुछ भी अर्जित करता है, उसे अर्जित करने के बाद उसे अहंकार भी हो जाता है। उसे लगता है कि उसने दुनिया को जीत लिया है, दुनिया को मूर्ख बना दिया है। और जो ऐसा करता है वह ना किसी गुरु को मानता है, ना किसी देव को मानता है, ना ही परमात्मा को ही मानता है। ऐसे दुष्कर्मियों को ना तो मुक्ति ही मिलती है और ना ही दुख उनका पीछा छोड़ता है, क्योंकि सत्कर्म और दुष्कर्म दोनों ही छाया की तरह मनुष्य के साथ रहते हैं। सत्कर्म के कारण सुख की प्राप्ति होती है तो दुष्कर्म के कारण दुख की प्राप्ति होती है। यदि उस अदृश्य शक्ति की अनुभूति करनी है, उस दिव्य सुख परमानंद की अनुभूति करनी है, यदि उस अद्भुत अविश्वसनीय अकल्पनीय प्रकाश का दर्शन करना है, यदि उस नाद का श्रवण करना है, तो विकारों से मुक्त होना ही होगा। इसके अतिरिक्त कोई और मार्ग नहीं, चाहे हम किसी भी धर्म को मानते हों। लगातार 10।